के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जस्ट लाइक स्प्रिंग से कनेक्टेड है वैसे होते हैं, होते हैं नहीं होते, यस और नो? ओके मैंने बताया था पिछले क्लास में ये सिस्टम होता है, 3D में होता है आपका, ठीक है, होता है ना? नाउ अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जब ये इसको जब मैं अगर खींचता हूं, जब मैं इसको फोर्स लगा करके अगर मैं डिस्प्लेस करता हूं, यानी इफ वी आर अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन व्हाट विल हैपन, दिस विल मूव टू समवट हियर एंड ये स्प्रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, दिस विल बिकम लाइक दिस, ये क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे और स्प्रिंग उसमें इलोंगेट हो रहा है तो क्या करेगा, स्प्रिंग फिर से वापस कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन करने की कोशिश करता है, करेक्ट है ना? तो यहां पर भी क्या होगा, आपने इधर फोर्स लगाया दैट इज फाइन, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर ये ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की ट्राई करेगा, है ना? यानी कि जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको डिस्टर्ब किया, तो इस सिस्टम के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। लास्ट बेंच को दिख रहा है? अच्छा क्लियर है? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है ना। इसमें पूरे तुम्हारे ब्रिज टीम का बहुत बड़ा योगदान है, और एक बोध गया के कमिश्नर हैं, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मठ का बहुत बड़ा योगदान है ना, जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और आप लोग उसको अब फायदा ले पा रहे हो, राइट? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो तो क्या हो गया, ये जैसे हमने इसको डिस्टर्ब किया, ये फिर से वो रिस्टोर करने की कोशिश किया, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स एक अपने आप डेवलप हो जाएगी, करेक्ट है? तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है सॉलिड के अंदर, इसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। और आपने पढ़ा था प्रेशर, पढ़ा था प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। यहां पर उसी चीज को, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इनसाइड द बॉडी पर यूनिट एरिया को हम अलग नाम देते हैं, एंड दैट वी कॉल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम नाम देंगे स्ट्रेस नाम देंगे, क्या नाम देंगे उसको, हम लोग नाम देते हैं स्ट्रेस। क्लियर है? क्या नाम देंगे हम लोग उसको, नाम देते हैं स्ट्रेस। लिख लो बाबू, ड्राइंग बना लो और स्ट्रेस लिख लो, रिस्टोरिंग फोर्स को दिखाओ, उसके बाद मैं डिफिनेशन बताता हूं आपको, आपको डिफिनेशन लिखना है। सर स्ट्रेस फिर से बता दीजिए। बता देता हूं, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई बॉडी पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वह बॉडी डिस्टर्ब होता है, वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उसकी शेप में चेंजेज आते हैं, उसके साइज में चेंजेज आते हैं। जब उसके शेप एंड साइज में चेंजेज आते हैं तो फिर जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है वो फिर से रिगेन करने की कोशिश करता है, करेक्ट है? तो रिगेन यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप होता है, करेक्ट है? तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जितना डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। ऐसे में सभी लोगों को क्लियर है?
यस सर आया समझ में? क्या करेंगे, जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ बॉडी के अंदर वो पूरे बॉडी में हुआ है ना, लेकिन हम लोग पर यूनिट एरिया डिफाइन करेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेस। क्लियर बाबू सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? चलो लिख लो इसका डेफिनेशन, लिखो बाबू पहले, राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर स्ट्रेस, लिखो लिखो, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, लिखो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया, सेटअप पर यूनिट एरिया, सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी, ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी, ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस, इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब जरा बात को समझो, यहाँ पे आपको ये भी मैंने बताया था कि जो एक्सटर्नल फोर्स जितना लगाते हो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, बताया था ना, एफ अगर लगाते हो तो आपका स्प्रिंग फोर्स के बराबर आता है ना, एफ इज इक्वल टू के, करेक्ट है, और जहां पे ये इक्वल होता है वहीं पे जाकर रुक जाता है। तो यहां पर भी क्या होगा, देखा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ, क्योंकि जब तक कैपिटल एफ बड़ा रहेगा तब तक ये इधर फैलता जाएगा, जिस समय ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहां पर जाकर के वो रुकेगा, करेक्ट है, यानी अप टू देयर डिफॉर्मेशन हो पाएगा, उसके बाद डिफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों की मीनिंग अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड में मैथमेटिकली अगर बात करूं मैं तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेक्ट है। सो राइट डाउन, लिखो स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यानी कि स्ट्रेस विल बी इक्वल टू एफ बाय ए, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाय ए, फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, करेक्ट है, एनी प्रॉब्लम? क्या होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, लिख लो सभी लोग। स्ट्रेस बाय एरिया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या सीजीएस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, आया समझ में? वेरी गुड। एक न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है भाई, 10 to the power 5, सबको याद है? यस सर। वेरी गुड, अच्छी बात है ना, याद रखना बाबू, है ना, समझ रहे हो, है डाइन कितना खतरनाक होता है और कितना डाइन इक्वल टू 1 न्यूटन होता है, तो कितना खतरनाक न्यूटन था, है ना, तभी तो पूरे वर्ल्ड को परेशान कर दिया तुम जैसे बच्चों को, भोले वाले बच्चों को कितने चैप्टर दे दिया, नहीं हर जगह घुस गया है, लोड बढ़ा दिया ना तुम लोगों को। चलो अभी हीट में भी पढ़ाऊंगा, है
हीट में भी पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, अभी मैं हीट में भी पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहां भी है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, है ना, सब जगह। सोचो तो ये बाबू प्रॉब्लम है। हो गया बाबू स्ट्रेस क्लियर है? स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या बोलेंगे? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो लिखो बाबू सर। तो हाँ प्रेशर और स्ट्रेस सेम होना चाहिए? प्रेशर और स्ट्रेस सेम होना चाहिए, वेरी गुड, है ना। देखा जाए तो आपका यूनिट, आपका कैलकुलेशन सेम होगा, है ना। लेकिन प्रेशर क्या बोलते हैं? जब हम बाहर से किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, है ना, तो कितना फोर्स आपने उस पर लगाया पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं प्रेशर। यानी कि उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, कितना आपने किसी चीज पे कितना फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, प्रेशर। स्ट्रेस को हम उसी चीज को दूसरे ढंग से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। घूम फिर के बात वही आ रही है, बट हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि उस बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हुआ उसको बोलते हैं स्ट्रेस। बात समझ आ गया? थोड़ी सी डिफरेंस समझने की बात है। चलो आगे बढ़ो बेटा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा? देखो अब आप जो फोर्स लगा सकते हो तो किसी चीज को क्या कर सकते हो? इसको खींच के लंबा करने की कोशिश करोगे, इसको इसको अगर खींचोगे तो क्या होगा? इसको बड़ा कर सकते हो, है ना। दूसरा क्या कर सकते हो? इसको तुम दबा सकते हो, इसको तुम प्रेस कर सकते हो, तो इसका क्या होगा? इसकी लेंथ छोटी हो सकती है, ये भी फोर्स का लाएगा। तो दो तरह का हम फोर्स पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा? जब इसको हम किसी चीज को बड़ा करने की कोशिश करें उसको बोलेंगे टेंसाइल। क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और उसी चीज को, यानी कि इसमें क्या कर रहे हो? इसमें लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। आप फोर्स ऐसा लगा रहे हो जिससे कि आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। इसमें क्या होगा? इंक्रीज लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा टेंसाइल के बाद? अगर मैं उसको उल्टा लगा दूं तो उसको क्या करूं? दबा रहा हूं मैं। जब दबाऊंगा तो क्या होगा? उसकी लेंथ को छोटा करने की कोशिश कर रहे, है ना। उसको बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे हम उसको? कंप्रेशनल स्ट्रेस। मैं फिर से पूछ रहा हूं लास्ट बेंच वाले को, ये चीजें दिख रही है क्लियर? नहीं दिख रही है? बैक वेंचर बताएगा जो पीछे बैठा हुआ है, दिख रहा है क्लियर? है बाबू? बाबू यस सर दिख रहा है। लास्ट वाले बेंच को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है? छोटा तो नहीं लग रहा है? यस सर क्लियर है। अच्छी बात है, वेरी गुड। यस सर क्लियर है। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलो हो गया। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसमें क्या करेंगे? लेंथ डिक्रीज होता है, इसमें क्या होगा? डिक्रीज इन लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा हो गया कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेशनल स्ट्रेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड, पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है?
जब किसी भी बॉडी को हम चारों तरफ से उसको प्रेस करते हैं, चारों तरफ से उसको लेंथ वाइज नहीं, अभी हम जो पढ़ते क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे थे या लेंथ को दबा रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको दबा रहे हैं। जैसे स्माइली बॉल देखा है ना आप लोगों ने, स्माइली बॉल को हाथ में लेकर क्या किया मैंने, उसको दबा दिया पूरा, तो क्या होगा वो चारों तरफ से दबेगा, है ना। आपने देखा था ना स्पंज व्हाइट रसगुल्ला, उसको क्या करते थे, उसको हाथ में लेके पूरा दबा देते थे, तो चारों तरफ से वो दबता है। तो वैसी केस जिसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और दब रहा है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, जिसमें चारों तरफ से फोर्स लगे और वो चारों तरफ से वो कंप्रेस हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम में फोर्स लग रहा है, पूरे वॉल्यूम को ये छोटा करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और एक और पढ़ेंगे हम लोग, फोर्थ टाइप का पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल, चौथा टाइप हो गया टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। क्या पढ़ेंगे, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ेंगे फोर्थ टाइप का, करेक्ट है। शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो यहां पे, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस ये क्या होता है, ये क्या होता है, लोगों के पास बुक है, बुक है, एक्सपेरिमेंट कर लें उसको, देखो बाबू कोई बुक ले लो, कोई बुक ले लो, बुक ले लिया, यस सर, मेरे पास तुम्हारा मॉड्यूल है, ठीक है ना, ठीक है। अरे ये पुराना मॉड्यूल है, आप लोग नया मॉड्यूल यूज कर रहे हो ना, ठीक है गुड। ये देखो ये आपका मॉड्यूल है ना, ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, इस बुक को रखो, ठीक है, इस बुक को रखो, ऐसे रख दिया मैंने ऐसे, ठीक है, ऐसे रख दिया, आप भी रख दो। अब एक काम करो, ऊपर से आप इसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे ऐसे फोर्स लगाओ, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है बाबू, है नहीं दिख रहा, देखो मैं दिखाता हूं, ये बुक दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है ना, इसे बराबर। अब मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो पता क्या होता है, देखो दिख रहा है क्या हो रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन आगे चला जा रहा है, दिख रहा है, इधर से ज्यादा अच्छा दिखेगा, देखा है ना, जब ऐसे जब ऐसे जब है तो देखो ये बराबर है, बिल्कुल है कि नहीं, बराबर बराबर है ये। अब इसको जब ऐसे फोर्स लगाऊंगा मैं, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स, ये चूंकि सरफेस पे लगा रहा हूँ ना ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे। अब देखो टेंजेंशियल फोर्स जब मैं लगा रहा हूँ ऐसे करके, तो देखो क्या हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन आगे चला जाता है, क्या हो गया, ऐसे हो जाता है कुछ, ऐसे ऐसे दिख रहा है टेढ़ा हो गया ये, ये देखो ये टेढ़ा हो गया, तो ये जो टेढ़ा होता है इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, इसको बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। और जो फोर्स लगाया आपने ऐसे टेंजेंशियली, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। इसको मैं ड्राइंग में समझाता हूं आपको, देखो मान लगा आपका ये बुक है, ठीक है, ये पेजेज हैं बहुत सारे, है ना, आपने फोर्स इस पे ऐसे लगाया है टेंजेंशियल, ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल जब फोर्स आप लगाया है आपने, तो पता है क्या होता है, इसमें आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे आ जाता है, ऐसा सेप बन रहा है कि नहीं बुक में, ऐसा सेप बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना, ऊपर वाला आगे चला जाता है और फिर ऐसे टेढ़ा रहेगा, ऐसे है ना,
ठीक है, तो ये टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, और ये जो डेवलप हुआ इसको बोलते हैं टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? अगेन टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। एरिया किसका लेंगे? ये टॉप वाले का एरिया लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया, एरिया ऑफ द टॉप, एरिया ऑफ टॉप, जो बुक का टॉप सरफेस है उसका एरिया लेंगे, और ये हमने लगाया जो फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स लेंगे। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया ऑफ द टॉप, दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। सभी लोगों को क्लियर है बाबू? सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। वेरी नाइस। सर एक और फिर बता दें। ये यस सर, हमने क्या बोला बेटा? बुक के ऊपर फोर्स लगाओ ऐसे टेंजेंशियली, तो क्या होता है? बुक का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा आगे चला जाता है ना, और ये टेढ़ा हो जाता है, ऐसे होता कि नहीं होता? तो ये जो डेवलप होता है ये शियरिंग स्ट्रेस के कारण होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण होता है। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये चार तरह का हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, टेंसाइल, कंप्रेशनल, हाइड्रोस्टैटिक एंड टेंजेंशियल, चार तरह का स्ट्रेस पढ़ा। अब जरा बात को समझना है यहाँ पे, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस डेवलप कर रहे हो, तो ऑब्वियस ये बात है कि उस बॉडी में थोड़ी सी चेंजेज आएगी, आएगी चेंजेस हैं? अगर हमने इसको टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ मैं, तो जब इसको खींचूंगा तो क्या होगा? इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगी। अगर मैं कंप्रेशनल स्ट्रेस लगा रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ, तो क्या होगा? इसकी लेंथ में थोड़ी सी कमी आएगी, है ना? तो कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहे हैं। कितना चेंजेज आ रहे हैं, कितना चेंजेज आ रहे हैं ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, कितना चेंजेज आ रहे हैं ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, उस चीज को हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेन से। क्या बोलेंगे उसको? दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखो बाबू, स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो उसके वजह से जो उस बॉडी के डायमेंशन में चेंज हो रहा है ना, रिलेटिवली, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, इसको डिफिनेशन लिख लो, स्ट्रेन को लिखो, द रेशियो ऑफ द चेंज, राइट डाउन, द रेशियो ऑफ द चेंज, लिखो, द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड, इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, यानी स्ट्रेन इज इक्वल टू, तो क्या देखा आपने, क्या लिखेंगे? चेंज इन डायमेंशन, बाय ओरिजिनल डायमेंशन, लिख लो, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, यानी कि कोई भी बॉडी के डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन में चेंज आया है, चेंज आया है और कितना आया है,
उसका रेशियो लेना है आपके ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, उसका रेशियो लेना है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब जरा बात को समझो, जब आप स्ट्रेस डेवलप कर रहे थे चार तरह से, तो स्ट्रेन भी डेवलप होगा चार तरह का, है कि नहीं? जितनी तरह का आप स्ट्रेस डेवलप करोगे बॉडी में, उतने तरह का स्ट्रेन होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर देखो, हमें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, चार होना चाहिए, यस चार होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो ये टेंसाइल और कंप्रेशनल, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक लेंथ को बढ़ा रहा है टेंसाइल, और कंप्रेशनल लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, यानी इसमें जो चेंज आ रहा है वो लेंथ में ही आ रहा है, इसमें जो चेंज आ रहा है वो लेंथ में ही आ रहा है। ठीक है, तो जब लेंथ में आ रहा है तो हम दोनों को कंबाइंडली नाम देंगे लॉन्गिट्यूडिनल, क्या नाम देंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नाम दे देंगे, एक में पॉजिटिव इंक्रीज होगा एक में निगेटिव हो जाएगा, और क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दोनों को मिक्स एक ही कर देंगे क्योंकि लेंथ में ही चेंज आ रहा है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, यानी लेंथ में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो भी हुआ वो यहां लिखना है ऊपर, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करो, मान लिया जाए हमारे ये मार्कर, ये मार्कर का लेंथ ले लो 20 सेंटीमीटर, इसका ले लो लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने पुल किया, टेंसाइल स्ट्रेस इस पे लगाया, और इसमें इंक्रीमेंट आ गया, इसमें इंक्रीमेंट आ गया 0.2 सेंटीमीटर का, कितना का आ गया, 0.2 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट आ गया। तो आप बताओ इसमें कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ और कौन सा टाइप का हुआ, बताओ सभी लोग। सर टेंसाइल स्ट्रेन होगा, टेंसाइल स्ट्रेन होगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का, कितना, 2 सेंटीमीटर का, मैंने दो यूनिट का, दो यूनिट का, दो यूनिट का, और बताओ, नहीं सिर्फ दो का, सिर्फ दो का, और बताओ। हाँ, कोई लोग, मैंने क्या बोला, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ है, 0.2 सेंटीमीटर का, और ओरिजिनल लेंथ कितना था, 20 सेंटीमीटर था, कितना था ओरिजिनल लेंथ, कितना था 20 सेंटीमीटर, और इंक्रीमेंट कितना हुआ, 0.2 सेंटीमीटर का। तो स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे, 0.2 by 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 by 100 is 0.01, कितना हो जाएगा, 0.01 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा, आया समझ में, सिंपल है ना। और चूंकि स्ट्रेन में क्या होता है, ऊपर भी डायमेंशन होता है चेंज इन डायमेंशन, और नीचे भी डायमेंशन होता है ओरिजिनल डायमेंशन, तो सेम डायमेंशन जब होगा ऊपर और नीचे, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट विल बी यूनिटलेस, क्या होगा, ये यूनिटलेस होगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो स्ट्रेन के जहां पर डिफिनेशन लिख के वहां पर लिख लो, इट इज यूनिटलेस, लिख लो बाबू, लिख लो, इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट इज यूनिटलेस। ठीक है,
क्या हो गया, इट इज यूनिटलेस। ठीक है, क्लियर है सूरज? क्लियर हुआ अब? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूं कि इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, दबाने की कोशिश किया और दब भी दिया, 0.2 सेंटीमीटर से ये दब गया। इसका ओरिजिनल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन सा स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेन आएगा, कौन सा स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन कितना होगा? कंप्रेसाइल। वेरी गुड। कंप्रेशनल क्या होगा? स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा, वेरी गुड आंसर। और स्ट्रेन कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, वेरी गुड। कितना होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज होगा तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखो, इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखेंगे। लिख लो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लिख लो बाबू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा भी बाई भी, चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। जब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके पूरे वॉल्यूम में इफेक्ट आएगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बोलेंगे चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी डेल्टा भी बाई भी, डेल्टा भी बाई भी। क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ अगर कोई चीज का वॉल्यूम है 1 लीटर, कितना है वॉल्यूम? 1 लीटर। ठीक है, हमने उसको कंप्रेस, तो वॉल्यूम में चेंज आ गया 1 ml का। कितना का? 1 ml का चेंज आया। तो बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? सर फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। 1 लीटर वॉल्यूम था, 1 लीटर वॉल्यूम था, हमने उसको कंप्रेस किया, जब कंप्रेस किया तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आई 1 ml का। तो बताओ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? 0.001। करेक्ट, 1/1000 यानी कि 0.001। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्लियर हो गया? इसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेन भी होना चाहिए, है ना? अब इसमें क्या चेंजेज आ रहा था भाई साहब? तो इसमें जो चेंजेज आ रहा था वो आपको मैंने दिखाया था ड्राइंग में। क्या चेंजेज आया था? ये आपका बुक था, ये आपका बुक था, और इसमें जब टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया तो इसमें चेंज जो हुआ वो ये हुआ कि ऊपर वाला पोर्शन आगे चला गया और नीचे वाला पोर्शन वहीं पर रह गया। ठीक है, ये चेंज आया था, है ना? तो मान लिया जाए कि ऊपर वाला पॉइंट आगे x चला गया, कितना दूर चला गया? x डिस्टेंस आगे निकल गया, और इस बुक की मोटाई जो थी वो मान लिया जाए l थी। कितना था? l था। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे, लिख लो, इसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। इसको हम डिफाइन करते हैं x/l से, यानी कितना ऊपर वाला पोर्शन कितना आगे गया डिवाइड बाय हाइट ऑफ द बुक या विड्थ ऑफ द बुक।
ठीक है, एक्स बाई एल है ना, यानी कि कितना मोटाई बुक थी, बुक की थी और उसके अनुसार वो कितना आगे गया, उनके रेशियो को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन। उनके रेशियो क्या बोलेंगे, उनके रेशियो को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेन बोलेंगे, एक्स बाई एल। क्या बोलेंगे, एक्स बाई एल को हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दो यहां पे, जब ये आगे गया तो आगे का पोर्शन और नीचे का पोर्शन ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। मान ले जाए ये नीचे से ये थीटा एंगल से डेविएट हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे जो था ना वो ऐसे हो गया, कितना से झुक गया, थीटा एंगल से झुक गया। ये सीधा था, ये ऐसे टेढ़ा हो गया, कितना एंगल से, थीटा एंगल से ये झुक गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई एल हो जाएगा, हो जाएगा एक्स वाई एल, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो एक्स वाई एल को क्या लिख सकता हूं, अगर ये थीटा है तो टैन थीटा में लिख सकता हूं, यानी कि शियर स्ट्रेन को हम टैन थीटा से भी निकाल सकते हैं। अगर तुमको एंगल दिया हुआ है तो भी काम हो जाएगा, टैन थीटा निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको, तो दिस इज कॉल्ड योर शियर स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड योर शियर स्ट्रेन। क्लियर है बाबू सभी लोगों को, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक लिखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या लिखा हमने, हमने लिखा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर है। नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिफाइन करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, आपको यह पता चल गया होगा कि अगर हम किसी चीज पे स्ट्रेस ज्यादा दें, अगर किसी चीज पे हम स्ट्रेस ज्यादा देंगे तो स्ट्रेन कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं स्ट्रेस ज्यादा दूं तो स्ट्रेन ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। यानी कि ये वेरी मच क्लियर है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, है ना। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस दोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, होगा नहीं होगा, है क्लियर है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मैं हटाता हूं और इक्वल टू का साइन दूंगा तो एक कांस्टेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। यानी कि E इज इक्वल टू क्या आ गया, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, और इस E को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसी E को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दिस इज कॉल्ड योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
क्लियर हो गया? क्या हो गया? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम बोलेंगे, इस रेशियो को बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने स्ट्रेस पढ़ाया चार टाइप का, स्ट्रेन पढ़ाया तीन टाइप का, तो ई क्या होगा है? तो जब हमने स्ट्रेन तीन टाइप का पढ़ाया है और स्ट्रेस को भी चार टाइप का पढ़ाया लेकिन उसको तीन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, है ना, कंप्रेशनल और टेंसाइल को एक ही मान लिया, यानी तीन टाइप का अगर हम स्ट्रेस पढ़े हैं और तीन टाइप का स्ट्रेन पढ़े हैं तो इनका रेशियो भी तीन टाइप का होना चाहिए, क्या बोलते हो है? जब तीन टाइप का स्ट्रेस है, तीन टाइप का स्ट्रेन है, तो इनका रेशियो भी तो तीन टाइप का होगा है बाबू, तो इनका रेशियो भी तीन टाइप का होगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, तीन टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी तीन टाइप का होना चाहिए। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता ही नहीं है, इट इज यूनिटलेस, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी इसकी? जो स्ट्रेस का होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये कितने टाइप का हो जाएगा बताओ? तो ये तीन टाइप का हो जाना चाहिए। पहला क्या होगा? पहला होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होना चाहिए, पहली बात तो होना चाहिए बाबू। तो इस रेशियो को हम नाम क्या देंगे, इसको हम अलग नाम देंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, और इसको हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस, क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम नाम देंगे यंग्स मॉडुलस, समझ में क्या हो जाएगा। जब हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करेंगे, तो उनके रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नाम देंगे यंग्स मॉडुलस, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बाकी लोग को? बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। है? यस सर। क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। भाई चलो वीडियो ऑन रखो भाई पहले, है ना, और सीमा तुम वहीं पे हो ना डिजिटल क्लास में? यस सर। सीमा तुम अपना मोबाइल ऑन करके अगर उधर रख दो सामने, मुझे सारे बच्चे दिखने चाहिए तुम्हारे मोबाइल में, कोई एक मोबाइल रखवा दो सामने जरा, बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है क्या कर रहा है मुझे दिखना करना चाहिए भाई, क्या एक्सप्रेशन है बच्चों का। आज पॉसिबल नहीं है, कल अगले नेक्स्ट क्लास में होगा। हाँ ठीक है, तो क्या करना जानते हो, क्या करना, एक लैपटॉप लगा देना, ठीक है, अगले क्लास में एक लैपटॉप लगा के सामने रख देना, और सारे बच्चे ना मुझे उस तरह रखना कि दिखते रहना चाहिए कौन yes, बच्चा क्या कर रहा है ना, पता चला कि गप करने लग गया तो क्या करेंगे हम, है ना, क्योंकि सीपी भैया हमेशा तो नहीं रहेंगे, है रंजीत सर हमेशा तो नहीं रहेंगे तुम्हारे पास, है ना, मुझे ही देखना पड़ेगा। okay, sir, वो लैपटॉप को सामने रख देना और मैं देख लूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया, यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, यंग्स मॉडुलस हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, इसके बाद दूसरा क्या होगा बाबू, अब आता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना, ठीक है, तो उसका क्या नाम देंगे, उसका रेशियो होगा, होगा ना बाबू, होगा नहीं होगा? यस सर। होगा, अच्छी बात है, तो होगा तो लिखो, लिखो लिखो बाबू, इसको लिखो हाइड्रोस्टैटिक
स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके रेशियो को हम बोलते हैं, इसके रेशियो को हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से, इसको बोलेंगे बल्क मॉडुलस, इसको बोलते हैं यंग मॉडुलस, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, इसको नाम देंगे हम लोग बल्क मॉडुलस। इसको नाम देंगे हम लोग बल्क मॉडुलस, ठीक है। और एक थर्ड टाइप का और रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा बाबू, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, इसके रेशियो को हम बोलेंगे शेयर मॉडुलस, क्या बोलेंगे, शेयर मॉडुलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग उसको, शेयर मॉडुलस बोलेंगे, या इसको मोड ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एटा से, ऐसे इसको बोलते हैं एटा, एटा से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, सर इसको क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलो, इसको क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, एटा, एटा एटा बोलते हैं, एटा ऐसे एन थोड़ा स्टाइल में लिख दो, स्मॉल और एन जो है थोड़ा स्टाइल में लिख दो, नीचे थोड़ा ज्यादा खींच दो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एटा बन जाएगा, क्लियर है बाबू। तो ये तीन तरह का आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ लिया, क्लियर है, किसी को दिक्कत है यहां तक तो बोलेगा एनीबडी, अरे बाबू किसी को कोई प्रॉब्लम है, वेरी गुड, अगर नहीं है तो कुछ क्वेश्चन कर लें इसी बात पे, क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो क्वेश्चन दिखेगा सब लोगों को, चलो देखो एग्जांपल नंबर वन,
देख रहे बाबू, एग्जाम्पल नंबर वन बना के दिखाओ सभी लोग। बाकी लोग? यस सर सेम आया। यस सर सेम। यस सर सेम। यस सर सेम आया। सेम आया? यस सर। सभी लोग का आंसर आ गया बाबू? चलो इसका आंसर आएगा आपको 10^11 आना चाहिए बाबू। कितना आ रहा था? यस सर सर। ठीक है, जिसको 10^11 आया है उसका आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन बनाओ एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो बाबू।
स्ट्रेस 0.1 न्यूटन, एलोंगेशन 0.01 और स्ट्रेन हो जाएगा 0.5 × 10⁻¹². सर स्ट्रेस आया 3.18 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इलोंगेशन आया 1.59 × 10⁻³, और स्ट्रेन आया 0.12। गुड, बाकी लोगों कितना आया? सर स्ट्रेन भी 1.59 × 10⁻³ आया। ओके गुड, आ गया आंसर सभी लोगों को? आ गया? यस सर। कितना सर है? सर बता दीजिए सर। यस सर बता दीजिए। बता दूं? ओहो गुड, चलो बता देता हूँ। पर्सनल एरिया पे लेते हैं, तुम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो तो इसका एरिया लोगे ना, तो यहाँ पर फोर्स नीचे लगा रहे हो तो इसका एरिया लेना है आपको, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। हो गया ये स्ट्रेस। इसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट में पूछा गया इलोंगेशन बताओ कितना होगा। इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल पूछा गया है कितना होगा, तो आपको क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपका स्ट्रेन भी पूछा है, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा वाई दिया हुआ है, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो जब वाई दिया हुआ है तो वाई क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। यंग मॉडुलस दिया हुआ है तो मैं स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लूंगा, ये हो गया यंग मॉडुलस। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। आपको निकालना है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल को यहां ले लो, तो डेल्टा एल क्या हो गया आपका एफ एल बाई ए वाई, होगा नहीं होगा, यस और नो?
अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, फोर्स आपको पता है, लेंथ पता है, एरिया पता है, वाई पता है, सारी वैल्यू पुट अप कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा कितना 1.59 × 10⁻³ मीटर। यस, यानी कि 1.5 mm बोल सकता हूँ, 1.59 mm बोल सकता हूँ मैं डेल्टा है, इतना मिलीमीटर का चेंज आया है। और अगर स्ट्रेन पूछा जाए तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल, यानी डेल्टा एल कितना हो गया 1.59 × 10⁻³ डिवाइड बाई लेंथ कितना है 1 मीटर, तो यही स्ट्रेन हो गया, यही क्या हो गया स्ट्रेन हो गया, 1.59 × 10⁻³ स्ट्रेन आ गया। ऐसा में क्लियर है, एनी प्रॉब्लम किसी को भी, किसी को भी एनी प्रॉब्लम अप टू हेयर? चलो अच्छी बात है, अगर ये सबको समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं अभी आया तो पूछो भाई, अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो पूछो, क्लियर है सबको 100%? यस सर। सर है बाबू भाई, जो पीछे से टॉप 25 है ना, पीछे से टॉप 30, उनको जरूर बोलना है यस और नो, नहीं तो तुम हमेशा पीछे से ही टॉप करते रह जाओगे। जो पीछे से टॉप 30 पे है जिसका रैंक, उसको जरूर यस और नो बोलना है बाबू। हाँ बताओ, समझ में आ गया सबको यस और नो? यस सर। चलो समझ में अगर आ गया है तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ बाबू, अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। सर 4.7 × 10⁻¹⁷ सर 0.16% सर 0.16% आपका माइक म्यूट है सर।
0.16% is the correct answer. 0.16% is the correct answer. क्लियर है, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने। चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पे, ये बनाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स बनाओ, क्वेश्चन नंबर सिक्स बनाओ सभी लोग। आंसर आ गया था बाबू सभी लोगों को। यस सर। हाँ। 1.5 इनटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ कितना गया? 1.5 टेन पावर 5, करेक्ट, वेरी गुड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज 1.5 इनटू 10 टू पावर 5। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका भी आ रहा है करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। आया आंसर नहीं आया सबको? सर आ गया सर, 0.15 मीटर। चलो सर बता दीजिए, बता दो, नहीं आया सर? चलो नहीं आया सर, कोई इधर देखो क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखो लिखा हुआ ए रबर स्प्रिंग 10 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एट इट्स वन एंड, कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स ओन वेट। अपने वेट के कारण, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये इसका कुछ ना कुछ वेट है, 10 मीटर लॉन्ग है, कितना है 10 मीटर लॉन्ग है, इसका ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है कितना, डेंसिटी दिया हुआ है, अच्छा वो नहीं दिया हुआ, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो इसको ए मान लेता हूं, एरिया कितना है ए, ठीक है,
एरिया कितना है ए, लेंथ है 10 मीटर, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.5 × 10³, और क्या दिया हुआ है, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है 5 × 10⁶, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, हमें चाहिए इसका निकालना है स्ट्रेस, नहीं एक्सटेंशन निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, क्या निकालना है डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एल डिवाइड बाई एफ बाई ए डिवाइड बाई डेल्टा एल बाई एल होता है, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, करेक्ट है, आपको निकालना डेल्टा एल, डेल्टा एल यहां लेके जाओ तो क्या हो जाएगा एफ एल बाई ए वाई, क्लियर है। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसके खुद का वेट यानी कि एम जी एल बाई ए इंटू वाई। अब सवाल ये उठ रहा है मास तो दिया हुआ नहीं है, इसका मास तो दिया हुआ नहीं है, अब क्या करें, तो मास के लिए हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर सकते हैं, और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ए इंटू एल, ए इंटू एल, ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया इंटू रो, ये हो गया मास, इंटू जी इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू यंग मॉडुलस, और यहां से ए कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका एल स्क्वायर रो जी बाई वाई, क्लियर है। अब यहां पर आपको एल दिया हुआ है 10 मीटर, रो दिया हुआ है, जी की वैल्यू 10 ले लो या 9.8 ले लो, वाई की वैल्यू दिया हुआ है, सारी वैल्यू पुट अप करो आपका डेल्टा एल निकल जाएगा, क्लियर बाबू सभी लोगों को, सभी लोग बना के देखो, सभी लोग को बनना चाहिए, क्लियर हो गया सबको। आगे आंसर, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन बन गया सभी लोगों को तो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करोगे आप लोग, दिख रहा है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है सबको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 करेगा सभी लोग,